Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। अरे भाई रोज विपक्ष के नेता बिना मुंह धोए सुबह उठ के मोदी को गाली देते हैं और पूरे देश में दे करके फिर सुरक्षित घर लौट आते हैं, तो मोदी तानाशाह कैसे हो गया? अगर तानाशाह होता मोदी तो तुम पूरे देश में मोदी को रोज गाली दे सकते थे। कांग्रेस में असली समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा कांग्रेस की कोई समस्या नहीं है, कांग्रेस की सिर्फ एक समस्या है जिसका नाम है राहुल गांधी। इस समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता और जब तक राहुल गांधी है कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता, राहुल गांधी को कोई हटा नहीं सकता। इस बात को लेके जब चर्चा हुई तो हम लोग भी हैं, हमने कहा यार अब ऐसा कैसे क्या किया जाए, तो हमने फिर अशोक श्रीवास्तव जी को खुद फोन किया एक दिन। हमने कहा कि भाई आप हमें बुलाते नहीं हैं, कि नहीं साहब आप आते नहीं हैं। तो हमने सोचा, कुछ इरादा किया और हमने कहा भाई आप कुछ करिएगा, हम आएंगे आपके यहां एक दिन, कि देखिएगा। इन्होंने मेरा पक्ष लेते हुए कहा, मेरा हित सोचते हुए कहा कि आप आएंगे मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से बहुत क्लोजली जुड़े हैं और देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के राजनीतिक सलाहकार के रूप में भी हैं, तो कहीं आपके खिलाफ बात ना चली जाए, बीजेपी में आपकी बात हो गई हो तब यहां आना ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो गया, कुछ कहना चाहते हैं तो जो कहलवाना चाहते हैं वही सही बात नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं अशोक जी आप जरा कुछ रखिएगा। अशोक जी ने प्रोग्राम एक बनाया, मैं उसमें पार्टिसिपेट मैंने किया। उसके बाद साहब जो परमाणु बम था वो फट गया। तो मैं जानता था कि जब मैं टेलीविजन पे जाऊंगा उससे पहले मेरे कार्यालय से हमारे जो बच्चे लोग हैं वो ट्वीट करके बता देते हैं जी गुरुजी आज वहां रहेंगे, आचार्य जी वहां रहेंगे। तो मैंने उसको कहा भाई तू इसको सार्वजनिक कर दे, और मैंने अपना फोन साइलेंट पे कर लिया। उसमें बहुत कॉल थे, राधिका के दफ्तर के बहुत कॉल थे, और मैं इस बात को कतई नहीं छुपाना चाहता कि मुझे, मैं जिनका सलाहकार था उनका भी फोन था। तो मैंने पूछा कि ये फैसला जो लिया गया है ये फैसला ठीक नहीं है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन जब हम कहते हैं कि साहब तानाशाही, मोदी तानाशाह है, अरे भाई रोज विपक्ष के नेता बिना मुंह धोए सुबह उठ के मोदी को गाली देते हैं और पूरे देश में दे करके फिर सुरक्षित घर लौट आते हैं, तो मोदी तानाशाह कैसे हो गया? अगर तानाशाह होता मोदी तो तुम पूरे देश में मोदी को रोज गाली दे सकते थे, और आज से नहीं दे रहे हैं, आज से नहीं दे रहे हैं। 10 साल तो हो गया प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, उससे पहले के जो 15 साल हैं तब से दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि भाई पक्ष विपक्ष तो हमेशा रहा है, लेकिन आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो बात इस देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसा जहर बो रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए जो हमारी आगे आने वाली नस्लों को बहुत क्षति पहुंचाएगा। आज ये जो किताब आपने लिखी है मैं बिल्कुल इसका पूर्ण समर्थन करता हूं,
इसमें जो ऐसे लोग हैं, अब मैंने एक दिन पूछा, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बैठक थी जब चिंतन शिविर हुआ, तो उसमें पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मैं सदस्य था, उसमें सभी वरिष्ठ नेता थे। तो मैंने रात को एक दिन चर्चा की कि भाई आखिर नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत क्यों है हमारी पार्टी को। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि जब दिलों में गांठें लग जाती हैं तो वो गांठें मीठी मीठी बात करके नहीं खुलती। दिलों की गांठें खोलनी हैं तो कड़वी कड़वी सच्ची सच्ची बातें करनी पड़ती हैं। जब तक मरीज का मर्ज पता नहीं चलेगा, बीमारी पता नहीं चलेगी, तो उसका इलाज कैसे होगा? मरीज की हालत खराब होती जाएगी, जैसे कांग्रेस की खराब हो रही है। बीमारी सर में है और पेट दर्द की दवा हो रही है। मुझसे किसी ने पूछा एक दिन, अभी हफ्ते दस दिन पहले की बात है, तो मुझसे पूछा कि अभी कांग्रेस जो लगातार उसका ग्राफ गिर रहा है, आप तो छात्र जीवन से कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस में असली समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा कांग्रेस की कोई समस्या नहीं है, कांग्रेस की सिर्फ एक समस्या है जिसका नाम है राहुल गांधी। इस समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता, और जब तक राहुल गांधी हैं कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता, राहुल गांधी को कोई हटा नहीं सकता। बात खत्म हो गई। अब आप कहेंगे साहब ये तो बड़ा गलत कह रहे हैं, आज कह रहे हैं कल क्यों नहीं कहा? मैंने भीतर पहले भी कहा, जब राम मंदिर का निमंत्रण आया तो मैंने ये कहा कि भाई इस निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अरे भाई भगवान के घर से निमंत्रण आया है। अब भगवान के घर से निमंत्रण अगर आता है तो उसे कोई स्वीकार ना करे, किसी की हिम्मत हैसियत है? नहीं है। फिर मैंने कहा कि अगर स्वीकार भी ना करो तो अस्वीकार मत करना। लेकिन विडंबना देखिए, जब वो निमंत्रण स्वीकार नहीं करने की चिट्ठी जारी हुई तो जो मैंने निवेदन किया था और उनके हित में किया था कि इसे अस्वीकार मत करना, तो ये जो शब्द है अस्वीकार, ये उसमें स्पेशली मेंशन किया गया जाजू जी। और जब वो चिट्ठी जारी हुई कि हम इस राम के निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, ये चिट्ठी उस व्यक्ति ने जारी की जिसके नाम में खुद राम है। अब बताओ, राम के निमंत्रण को आप अस्वीकार करेंगे, भारत की नई संसद बनी। साहब भारत की नई संसद क्यों बना दी? विरोध करेंगे? तो मैंने कहा भाई विरोध भाजपा का करो, भारत का विरोध क्यों कर रहे हो? ये जो भारत की संसद है, नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तक, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, जो भी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके कार्यकाल में जो जो बातें हुई, जो जो फैसले हुए, जो जो इमारतों का निर्माण हुआ, वो सब अपनी छाती पे रख के उन इमारतों को नहीं ले गए। तो नरेंद्र मोदी भी नई संसद को अपने साथ नहीं ले जाएंगे। ये भारत की संसद है, इसे भाजपा की संसद सोचना ठीक नहीं है। अरे साहब आप तो बेकार की बात करते हो, आप आइएगा। मैंने कहा भाई मैं विरोध करने आना नहीं चाहता, ना मैं आऊंगा, लेकिन आपसे एक और आग्रह, आप भी मत जाओ, और अगर जाते हो तो यार ये रावण की सेना जैसे काले काले कपड़े पहन के काहे जाते हो, ये क्या कर रहे हो? नहीं माने साहब, भारत की संसद बनाएंगे मोदी, उसका विरोध करेंगे। मोदी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो कहेंगे साहब पाकिस्तान में गोले कहां गिरे। नरेंद्र मोदी अगर यान भेजेंगे और वो यान नहीं पहुंचेगा तो आप खुश होंगे, आप प्रार्थना करेंगे कि यार मोदी जिस यान को भेज रहा है अंतरिक्ष में, जो हमारा एक बहुत बड़ा स्पेस के अंदर एक नाम दुनिया में, हमारा एक झंडा गढ़ने जा रहा है,
हम उसकी असफलता की कामना करेंगे। ये 3-4 पॉइंट आप बिल्कुल गौर से सुनिएगा सब। यहां कम लोग हैं लेकिन बुद्धिजीवी लोग हैं। व्यक्ति बड़ा नहीं होता, व्यक्ति मर जाता है, विचार हमेशा रहता है। यहां विचारशील चिंतनशील व्यक्ति हैं। आप सोचिए, भारत की संसद बनी उसका विरोध, और इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन देश के हित में भारत की एकता को लेकर के, भारत की एकता अखंडता और मजबूत हो उसको लेकर के 370 हटाने का फैसला किया गया, इसका भी विरोध करेंगे आप? फिर आप कहेंगे हम सरदार पटेल के अनुयायी हैं। आप राम का विरोध करेंगे, कहेंगे महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। आप सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म की बात करेंगे, स्यूडो सेक्युलरिज्म के ऊपर चलेंगे और कहेंगे कि साहब हम महात्मा गांधी के फॉलोअर हैं। अरे भाई, महात्मा गांधी की तो हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम राज्य की कल्पना देखने वाला कौन? महात्मा गांधी। क्या महात्मा गांधी से बड़ा सेक्युलर कोई आदमी है? अगर महात्मा गांधी से बड़े आप सेक्युलर हैं तब तो ठीक है, और महात्मा गांधी अगर ये रास्ता देते हैं तो आप उस रास्ते पे चलना नहीं चाहते। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाको दुख विधाता दई